हमने सांप के बारे में कई बातें सुनी हैं। अलग अलग प्रजाति के सांपों के अलग अलग व्यवहार होते हैं। स्पिटिंग कोबरा भी उनमें से एक है। कोबरा की विभिन्न प्रजातियों में से यह एक ऐसा सांप है जो अपने विषदंत के जरिए जहर को आगे यानी सामने की ओर फेंकता है, इसीलिए इन्हें स्पिटिंग कोबरा कहा जाता है, मतलब जहर को स्प्रे या जहर की बौछार करने वाला सांप है। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिकांश स्पिटिंग कोबरा नाजा प्रजाति के होते हैं। ये अधिकतर दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्वीय एशिया के घास के मैदानों, खेतों और जंगलों में पाए जाते हैं। अफ्रीका में स्पिटिंग कोबरा की 7 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें रेड स्पिटिंग कोबरा, मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा, ब्लैक नेक्ड स्पिटिंग कोबरा और जबरा स्पिटिंग कोबरा उल्लेखनीय है। इसी तरह एशिया में भी स्पिटिंग कोबरा की 7 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यह समझते हैं कि स्पिटिंग कोबरा जहर को किस तरह बाहर निकालते हैं। इसके लिए स्पिटिंग कोबरा अपनी विष ग्रंथि को बस सिकोड़ते हैं, जिससे जहर उनके विषदंत में आ जाता है और फिर विषदंत में सामने की तरफ बने छिद्रों से जहर तेजी से बाहर निकल जाता है। वैसे सभी सांपों में ऐसा होता है। स्पिटिंग कोबरा में स्प्रे करने की प्रवृत्ति उनके विषदंतों के आकार में परिवर्तन और सिर की मांसलता में परिवर्तन के प्रति अनुकूलन का परिणाम है। सवाल ये है कि अन्य सांपों से स्पिटिंग कोबरा में क्या फर्क होता है? अन्य सांपों से इतना फर्क होता है कि स्पिटिंग कोबरा के विषदंत ऐसी खास जगह पर होते हैं कि जहर महज बाहर निकलने की बजाय तेज धार के रूप में बाहर निकलता है। विषदंत के छिद्र जितने छोटे और गोल होंगे, जहर उतनी ही तेजी से बाहर निकलेगा। इस पिचकारी की गति इतनी तेज होती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि अचानक आपसे क्या आकर टकराया। एक और सवाल ये बनता है कि स्पिटिंग कोबरा की लंबाई कितनी हो सकती है? स्पिटिंग कोबरा लंबाई में 3 से 9 फीट तक बढ़ सकते हैं। स्प्रे करने के समय ये अपने फन को फैलाकर उठ जाते हैं। ये न सिर्फ 6.5 फीट तक अपने जहर को स्प्रे कर सकते हैं, बल्कि लगातार 40 बार अपने जहर की जल्दी जल्दी बौछार भी कर सकते हैं। स्पिटिंग कोबरा का दूर का निशाना 10 में से कम 8 बार अचूक होता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।